ला दीजिए। अब भक्तों में वर्गीकरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भागवत जी में है उत्तम और मध्यम और प्राकृत, तीन प्रकार के भक्त बतलाए हैं। तो उत्तम जो हरि नाम के जो दूसरे महात्मा हैं, उन्होंने इसका उत्तर दिया। उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। भगवान को भी भागवत, भक्तों को भी भागवत, और जिस साधन से भगवान मिलते हैं उस साधन का नाम भी भागवत। तीनों का नाम भागवत है। अब भक्तों की चर्चा हो रही है, भागवत धर्म साधन का नाम हो गया। अब भागवत यहाँ पर भक्तों के अर्थ में है, साधक के अर्थ में, कि जो सर्वत सब में अपने ब्रह्म को देखता है। सरल भाषा में कहें, जो भगवान से भी प्रेम करता हो, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता हो, और जो भक्त नहीं है, नास्तिक आदि हैं, उनसे भी प्रेम करता हो, किसी से भी द्वेष न करता हो, घृणा न करता हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, वो सबसे ऊंच उत्तम कोटि का भक्त है। किसी से भी द्वेष ना हो तो, द्वेष रहित हो तो, सर्वथा द्वेष रहित हो, तो उत्तम श्रेणी का भक्त है। एष भागवतोत्तमः। अब दूसरा जो है मध्यम, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु विषक्षु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम श्रेणी का भक्त चार प्रकार का व्यवहार करता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान से प्रेम, ईश्वरे प्रेम, तद अधीनेषु मैत्री। भगवान से तो प्रेम करेगा, जो भगवान के भक्त हैं अन्य उनके साथ मैत्री का व्यवहार करेगा। ईश्वरे प्रेम तद अधीनेषु मैत्री, अब बालिशेषु कृपा, जो छोटे बालक हैं, दीनहीन है, अनाथ है, उनके प्रति कृपा का व्यवहार करता है। और द्विषत्सु, जो द्विषत्सु हैं या जो पापी हैं या जो नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, उनसे वो द्वेष नहीं करता, उपेक्षा करता है, उनसे वो संबंध ही रखता नहीं, उनसे अलग रहता है, दूर दूर रहता है, दूरी बना के चलता है। तो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, चार प्रकार के मरे लोगों, जितने भी लोग हैं उनको चार भागों में बांट दिया, और अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। ये मध्यम श्रेणी का भक्त है। भगवान से प्रेम करे, उनके भक्तों से मैत्री करे, छोटे अनाथ आदि हैं, बालक हैं, उनसे उन पर कृपा करे, और जो पापी हैं या दुष्ट जो है उनसे उपेक्षा का व्यवहार करे, घृणा न करे। और जो तीसरा भक्त है प्राकृत, अर्चाया मेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते न तद् भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः। अर्चायामेव हरये, भगवान की पूजा तो करता है, भगवान से प्रेम तो करता है, जो दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, उनसे तो घृणा करता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अन्य भक्त हैं भगवान से, उनसे भी वो ठीक से प्रेम नहीं कर पाता। भगवान से तो प्रेम करता है, लेकिन दूसरे भक्तों में भी अपनी अपने साधन को श्रेष्ठ बताना और दूसरों के साधनों में गलती ढूंढना, ये एक साधारण हमसे चूक हो जाती है। साधारण चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है, वो हमको प्राकृत श्रेणी का भक्त बना देता है। दो मित्र एकादशी करते हैं ना, पड़ोस में मान लीजिए, तो एक अपनी प्रशंसा करेगा, अरे मैं व्रत करता हूँ, बिल्कुल पानी भी नहीं पीता, कट्टरता से रहता हूँ, शाम को एक बार फलाहार करता हूँ बस। और वो पड़ोसी को देखो, चार बार पांच बार फलाहार करता है, वो क्या व्रत करता है? तो दूसरों के साधन में कमी ढूंढना ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, जैसा उसका सामर्थ्य वो कर रहा है, जितना सामर्थ्य तुम्हारा है तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के साधनों में कभी कमी नहीं ढूंढना चाहिए। भाई, जिसकी जितनी तीव्रता होगी भावों की, वो जितनी जल्दी भगवान को पा लेगा। ठीक है, तुम्हारा साधन अच्छा है, तुम जल्दी पा लो भगवान को, अच्छी बात है, कुछ तेरी से पा लो। तो अन्य से भी कभी स्पर्धा का भाव नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ये संक्षेप में भागवत धर्म और भक्तों के लक्षण। इसके बाद में माया क्या है, इस पर चर्चा हुई है। फिर माया पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा हुई है। अब धीरे धीरे अब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है।